जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों मैं हूं कृष्णा और दोस्तों हम लोग TET का एग्जाम दिलाए हैं, उसका वो मॉडल आंसर मैं पूरी तरह से जारी कर रहा हूं। अब मतलब पूरी तरह से सॉल्व करके बता रहा हूं मैथ्स का, केवल मैथ्स का। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको मैथ्स का जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बताया हूँ, उसी का जो है अगला पार्ट ये है। तो दोस्तों हम लोग इसमें बात करेंगे मैथ्स को सॉल्व करके। तो दोस्तों इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आया था उसके बारे में मैंने वीडियो पिछला वीडियो बता ही चुका हूँ, उसमें आप देखे ही होंगे उसको सॉल्व करके। तो दोस्तों उसमें पिछले वीडियो में पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन बताया था। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बताया था जिसमें क्रय मूल्य अनुपात और वो पूरा तरह से दिया हुआ था, कितने में दिया गया था, 4:5 में। तो इसका आंसर क्या है था आपका, आपका आंसर सही आंसर क्या है 25 है। अगर आप नहीं देखे हो सॉल्व करके मैंने बताया है पिछले वीडियो में, आप उसे देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैंने और एक बताया हवाई जहाज वाला। हवाई जहाज वाला क्या है, एक वर्ग की चारों भुजाओं की जो है उसके चारों ओर कितने में घूमता है, 200, 400, 600, 800 किलोमीटर प्रति घंटे की उड़ान में करता है। तो उसका उड़ान का जो है औसत चाल कितना होगा, तो इसका औसत चाल आएगा आपका 384 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कैसा आएगा दोस्तों, इसको मैंने सॉल्व करके पूरी तरह से बताया है। अगर नहीं देखे हो तो मैंने मेरा पिछला वीडियो देख आ सकते हो आसानी से, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। उसके अलावा दोस्तों एक और इक्वेशन दिया था, इक्वेशन था इस तरह का 2x/1 + 1/1 + x/1 - x = 1 है। तो एक्स का मान निकालना है, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 2/3 आएगा इसका सही आंसर। तो अगर आप ये टिक लगाए हो तो आपको बिल्कुल एक नंबर मिलेगा दोस्तों। अगर इसको सॉल्व करके नहीं समझे हो तो और समझना चाहते हो तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाके आप उन सभी वीडियो को आसानी से वॉच कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक दीवार है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है और उसमें एक ईंट लगाना है, मतलब एक निश्चित साइज का, मतलब 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का मान का दिया हुआ ईंट है। और दोस्तों उसका दीवार जो है 10% हिस्सा क्या है, गारे से, मतलब मसाले से भरा हुआ है, सीमेंट का हो सकता है या मिट्टी का हो सकता है। तो उसके लिए भी क्या होगा, इसके लिए सही आंसर क्या होगा, कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए 45,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। अगर नहीं देखे हो दोस्तों कैसे आएगा, आप जानना चाहते हो तो मैंने इसका तरह आपको पूरी तरह समझा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, जो है आपको पार्ट 1 के नाम से मिल जाएगा और जो है पार्ट 2 के नाम से भी मिल जाएगा, है ना दोस्तों। तो आप उस तरह के जो है मैंने सॉल्व करके बताया था दोस्तों। अभी हम लोग इसमें फिर से इस वीडियो में दो क्वेश्चन को फिर से कवर करेंगे दोस्तों और उस सभी के जो है उत्तर को जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वो प्रश्न क्या है, तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि दोस्तों इसी तरह का जो क्वेश्चन मैं आपको पूरी तरह से डिटेल तरीके से समझा के आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं पहला, इसमें वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है, यदि उस क्षेत्र का परिमाप 800 मीटर है तो क्षेत्र जो है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो तो हो गया होगा, तो इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना दोस्तों। तो इसमें क्या है, एक आयत है, एक आयत बना हुआ है, उसमें क्या है उसकी जो चौड़ाई जो है ना दोस्तों, मतलब उसकी जो चौड़ाई जो दिया गया है वो लंबाई का कितना है, लंबाई का 60% है। तो लंबाई का कितना है, हमारा लंबाई है x, तो x का 60% क्या है उसका चौड़ाई है ना दोस्तों। तो उसमें क्या दिया गया है, परिमाप। तो उसमें जो प्रश्न में क्या दिया गया है ना दोस्तों, परिमाप दिया गया है ना, तो यहाँ पास परिमाप कितना दिया गया है, 800। उस क्षेत्र का परिमाप कितना दिया है, 800 दिया है। तो हमें हमको पता है कि प्रश्न अनुसार क्या है कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 × लंबाई / चौड़ाई। तो ये फार्मूला है आपको पता होगा, है ना। तो हम लोग परिमाप की जगह रख देते हैं 800 क्या कर दिए, उसकी जगह रख दिए, 2 की जगह 2 रख दिए। फार्मूला के हिसाब से लंबाई कितना है हमारा, एक्स है, और चौड़ाई कितना है, एक्स का 60%, है ना दोस्तों। यहाँ पास क्या हो जाएगा, चौड़ाई कितना है, यहाँ पास x का 60%, तो x का मतलब क्या होता है, गुणा। तो हम लोग गुणा लगा दिए 60% का बटे 100। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पास क्या लिखा, क्या बना हमारा, 800 बराबर 2 × x + 60/100। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, आपका 0 0 कट जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, हम लोग इसका लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। पहले सॉल्व करना है दोस्तों कि इसको और इसको, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या आएगा, आपका 10 आएगा। तो उसको भी 10 बनाने के लिए ऊपर भी 10 का गुणा कर दिए, तो क्या हो गया आपका, 10x हो गया, और यहाँ पास +6x। तो इस तरह क्या जाएगा, आपको इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, आपको ये मिल जाएगा, आपको 16x मिल जाएगा, है ना दोस्तों। 10x और 6x को जब जोड़ोगे तो अब क्या मिलेगा आपको, 16x। तो और यहाँ पास क्या है दोस्तों, 2 है, यहाँ पास 10 है, तो ये कट जाएगा, 2 × 1 = 2, और ये क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10। तो नीचे बटे में क्या आएगा आपका, 5। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 16x/5। तो ये इसके बराबर में कितना है, 800। हमने x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पास जो नीचे में 5 है उधर पक्षांतर होने के पश्चात कहाँ चले जाएगा, 800 के गुणा में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 800 × 5 आ जाएगा, और यहाँ पास जो 16 है वो कहाँ चले जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो मतलब 800
गुना 5/16। तो इस तरह क्या हो जाएगा, हम जब x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो क्या निकलेगा, 16 एकम 16, और 16 5 80, और 16 0 0। तो गुणा में क्या है, यहाँ पास 5 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, 5 25, 25 और जो है 0 है ना दोस्तों। 50 × 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा। और दोस्तों ये क्या हो जाएगा, उसकी लंबाई है। 250 क्या है, उसकी लंबाई है। लंबाई कितना है हमारा 250, और चौड़ाई क्या बोला गया है, एक्स का 60% है ना दोस्तों। एक्स का 60% यहाँ पास दिया गया है ना, यहाँ पास चौड़ाई कितना दिया गया है, एक्स का 60%। तो हम लोग क्या करते हैं, अब एक्स का 60% लिख दिए, अब का मतलब हो गया आपका गुणा, तो लगा देते हैं गुणा प्रतिशत, उस 60 का 60 लिख दिए, प्रतिशत मतलब बटे 100। और हमारा एक्स का मान कितना आया है 250, तो 250 को यहाँ पुट कर दिए, गुणा 60/100। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा। जब क्या करेंगे, यहाँ पास ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0 कट जाएगा, आपका बचा कितना 25 × 6। जब 25 × 6 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 150। तो 150 क्या है, उसका चौड़ाई है। लंबाई कितना मिला हमें उस जो है आयत का, वो मिला 250, चौड़ाई कितना मिला 150। अब हमें क्या निकालना है, उस आयताकार क्षेत्र जो है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रश्न में बोला गया है ना दोस्तों। मैं एक बार प्रश्न को फिर से दिखा देता हूँ, इसमें क्या बोला गया है कि तो क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आयताकार क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हमें लंबाई निकल गया है और चौड़ाई निकल गया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, आपका जो आंसर आएगा कितना, 37,500 वर्ग मीटर। तो 37,500 वर्ग मीटर कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है दोस्तों, 37,500 वर्ग मीटर जो आपको बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। इस तरह क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा दोस्तों। अगर आप बी ऑप्शन में टिक लगाए हो तो आपका बहुत बहुत ही जरूर एक नंबर जरूर मिलेगा दोस्तों। देख चलिए स्टार्ट देख लेते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देख लो दोस्तों, देखने में तो बहुत ही कठिन लग रहा है, लेकिन उतना कठिन नहीं है ना दोस्तों। अगर आप मुझे ये क्वेश्चन बनाया हो और आपसे बना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों इसमें प्रश्न को पहले देख लेते हैं, प्रश्न में क्या बोल रहा है, 658 अब इन दोनों के बीच क्या लगा है, माइनस लगा है। उसके बाद क्या है, 228 × 228 × 228 अपॉन क्या दिया गया है, 658 × 658 + 658 × 328 + उसके बाद दिया गया है 328। अब इसको क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमें ये बताना है। तो नीचे ऑप्शन में दिया गया है 986 330, और दिया गया है 658 × 228 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन आप बनाए हो, मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ, बहुत सरल तरीके से बनेगा दोस्तों चुटकियों में, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा डिटेल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इसके लिए जब मैं इसे सॉल्व किया एग्जाम सेंटर में बैठ के, तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए मुझे ज़्यादा कॉपी पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ा, और अंक को ही मैं बहुत सरल तरीके से बना लिया, वही उसी विधि को मैं आपको बता रहा हूँ है ना दोस्तों। दोस्तों यहाँ पास ये जो लिखा गया है यही प्रश्न है, हमें क्या निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क का मान जो है निकालना है। तो दोस्तों यहां पास क्या करते हैं, 658 यहाँ भी है, यहाँ कितना है 328 इन दोनों के बीच किसका सिंबल है दोस्तों, माइनस का सिंबल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो 658 को हम लोग क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और यहाँ पास क्या है 328 है, उसको मान लेते हैं बी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 600 जितने भी 658 है वहाँ पास क्या लिख देते हैं, ए लिख देते हैं, a × a × a, और यहाँ पास जितने भी जगह क्या है 328 है वहाँ पास क्या लिख देते हैं, b × b × b है ना, क्योंकि यहाँ बीच में गुणा गुणा लगा है तो हम लोग गुणा गुणा लगा देते हैं बटे। अब नीचे में भी क्या है, a × a, क्योंकि आएगा क्या, क्योंकि क्या दिया है उसमें, 658 × 658 दिया गया है, उसके बाद है प्लस, तो हम लगा देते हैं प्लस, उसके बाद दिया गया 658 × 228, तो मतलब a × b हो जाएगा, क्योंकि दोनों का माना अलग अलग है, a और b माने हैं, तो उसी तरह क्या हो जाएगा, प्लस होने के बाद b × b, इस तरह इसमें लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे ही हम लोग इसको लिख सकते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा, a × a × a, तो ये किसने के बराबर हो जाएगा, a³ के बराबर हो जाएगा है ना, a³। अगर 2 रहता तो क्या लिखते, a² लिखते, उसी तरह क्या हो जाएगा, बीच में माइनस है तो हम लोग माइनस लगा दिए, उसके बाद है b × b × b, तो क्या हो जाएगा, ये b³ हो जाएगा, उसके बाद बटे, बटे में क्या है, a × a, मतलब क्या हो जाएगा वो आपका a² हो जाएगा, प्लस a × b, मतलब क्या हो जाएगा वो आपका ab,
है ना दोस्तों, उसी तरह क्या हो जाएगा, तीसरा में क्या है बी गुणा बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। तो जब दोस्तों अब क्या करूँगा इसको दोस्तों, मैं पूरा डिटेल तरीके से समझा रहा हूँ, आई होप इसको ये बिल्कुल दिमाग में आपके बैठ रहा होगा कितना सरल था ये क्वेश्चन, है ना दोस्तों। अब क्या करते हैं, हमको एक फार्मूला याद होगा है ना दोस्तों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा, है ना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूला में टूट गया तो नीचे में भी क्या है उसको कुछ नहीं करना है, उसको जैसे का तैसा रख देना। तो जैसे का तैसा रखोगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन जो ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है और ये वाला पॉइंट दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा दोनों कट जाएगा, तो बचा क्या आपका ए माइनस बी आपका बचा। और चूंकि ए माइनस बी, हम लोग ए क्या माने थे और बी क्या माने थे, ए माने थे हम लोग 658 और बी माने थे 328, और जब इन दोनों को जब आप घटा दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, जब इन दोनों को घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 330, जो क्या है इसका सही आंसर है। और यही 330 जो है इसका दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 330 जो है आपका बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों 100% राइट है, अगर आप इसको टिक लगाए हो तो। दोस्तों अगर आप इसे क्वेश्चन को देख के डरा मत कीजिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए, अगर आप इन तीनों को आपस में गुणा करोगे और इन सभी तीनों को आपस में गुणा करके इसको घटाओगे और साथ ही साथ इसको गुणा करके इसको गुणा करके इसको गुणा करके जोड़ोगे, उसके बाद जो आएगा उसको एक दूसरे से भाग दोगे, तो भी आपका आंसर जो है 330 ही आएगा। लेकिन उसमें क्या होगा, प्रोसेस बहुत ज़्यादा जाएगा, आप दोस्तों 15 मिनट तो ऐसे ही आपको सॉल्व करने में ये चला जाएगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने में मात्र जो है आधा मिनट से लेके इसको मात्र 45 सेकंड का समय ही लिया और सही आंसर मैंने निकाल लिया। तो उसी मेथड का यूज़ करके मैंने आपको बताया दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो उसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच करते रहोगे। तो दोस्तों मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो मैंने उसका भी सॉल्व करके पूरी तरह से आपको समझाया है, नहीं देखे हो तो जाके मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाके आप उन सभी वीडियो को आसानी से वॉच कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखे हो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मैंने दोस्तों वर्ग दो के लिए भी मैथ्स का क्वेश्चन जो है, अगर आप वर्ग दो में मैथ्स का चॉइस किए हो, साइंस का चॉइस किए हो, तो उसको भी मैं बताऊँगा। अगर सामाजिक विज्ञान का भी चयन किया तो उसका भी जल्द ही जो है मॉडल आंसर जल्द ही मैं ला दूंगा। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।